अगर रास्ते नहीं है तो किधर से जाएंगे पूरा। हम लोग खेती क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे कि पार्क हट जाए, जैसे पहले, जैसे मतलब पहले पुरखौती लोग का जो रास्ता था वही रास्ता चाहिए हम लोग को, किसी तरफ से रास्ता भी नहीं चाहिए हम लोग का। और उस जमीन में हम कैसे आना और जाना करेंगे? और अभी खेती का सीजन है तो लगभग सभी ग्रामीण वासी इससे आक्रोश हो रहे हैं और दिक्कत ही आ रही है सबसे बड़ी। मतलब कि नहीं हो पा रहा है, मतलब आप खेत भी नहीं जा पा रहे हैं? हाँ, खेत नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, खेत नहीं जा पा रहे हैं, अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो हम खेत कैसे जाएंगे? घेरा बंदी कर दिया तो कैसे हम लोग हाल जोतेंगे और रोपा रोपेंगे? तो अभी क्या बोल रहा है वन विभाग वाला आदमी, क्या बोल रहे हैं? वन विभाग रास्ता बंद कर दिया तो कैसे हम लोग अभी गाड़ी उड़ा घुसाएंगे? जमीन चाहिए पार्क नहीं चाहिए, जमीन चाहिए पार्क नहीं चाहिए। अभी हम बड़ाम गांव में हैं और यहां पे बड़ाम जंगल को लेकर जो है यहां के ग्रामीण जो है मीटिंग रखे हुए हैं। मुद्दा कुछ इस तरह से है कि बुढ़ाम जंगल जो था यहाँ के ग्रामीणों के माध्यम से कई दशकों से जो है वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ति किया जाता है, लेकिन अभी वन विभाग की तरफ से जो है उसे घेराबंदी कर लिया गया है और घेराबंदी का विरोध करने को लेकर जो है यहाँ पे मीटिंग किया जा रहा है कि आखिरकार जब हम लोग दशकों से सैकड़ों वर्षों से जब हम लोग यहाँ से प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ति करते हैं और अभी के टाइम में अगर उसे घेराबंदी कर लिया जाता है तो हमारा संसाधनों का पूर्ति कहाँ से होगा, इसको लेकर इन लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इसका निदान हो और वन विभाग को अवगत कराना चाह रहे हैं। कुछ दादा लोग इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जोहार दा। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा लोहरा, बड़ा मुखिया। मुखिया जी, क्या लगता है कि आप लोग जिस तरह से मीटिंग कर रहे हैं, बड़ाम जंगल को घेराबंदी कर लिया गया है, इसको लेकर आप लोग जो है मीटिंग लगातार, महज हमें लगता है कि 3 से 4 बार आपने मीटिंग कर लिया है, क्या कुछ नतीजा है और क्यों इस तरह से करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारा जो ग्राम पंचायत है लगभग एक चौथाई भाग हमारा वहाँ संसाधन जो दतून पतई चरागाह के लिए है और अभी पार्क जो बन रहा है 75 एकड़ भूमि में बन रहा है तो काफ़ी अभी समस्या हो रहा है क्योंकि उन्होंने तो फॉरेस्टर तो पूरा चारों ओर घेराबंदी कर दिया है। अब घेराबंदी कर दिया तो पहले एक था बीच का रास्ता था उसको घेरा नहीं किया था, अभी तत्काल अभी वर्तमान में उसको घेराबंदी कर दिया तो इससे हमारा ग्रामीण आक्रोश हो गए हैं और बहुत सारा ऐसा लोगों में मनसा उठ रहा है कि आखिर फॉरेस्टर ऐसा हमारे जल उधर ज़मीन है और उस ज़मीन में हम कैसे आना और जाना करेंगे। और अभी खेती का सीजन है तो लगभग सभी ग्रामीण वासी इससे आक्रोश हो रहे हैं और दिक्कत ही आ रही है सबसे बड़ी बात। अच्छा, इससे पहले जो है वहाँ से आप लोग जितने भी प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ति कर सकते थे लेकिन अभी के टाइम में कर पा रहे हैं या नहीं कर? बिल्कुल नहीं, नहीं और पूरा बाधित है क्योंकि वो चारों तरफ से घेराबंदी कर चुके हैं। वन विभाग से इससे लेकर कोई रिलेटेड बातें हुई हैं आप लोग का? देखिए, इससे पहले हो चुकी थी कि हम चारों तरफ से रोड देंगे करके, लेकिन अभी उन लोगों का मंशा क्या है पता नहीं, लेकिन मेन गेट को ही उन्होंने छेक दिया है तो बड़ा ही आपत्ति लग रहा है सभी ग्रामीण को। लगातार अभी हमारे यहाँ पर सभी लोगों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग किसी भी तरह से अब वन विभाग को पार्क नहीं बनाने देंगे, इसके लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़े, है ना, लड़ना पड़े या सड़क में उतरना पड़े, हम लोग उतरने के लिए तैयार। वन विभाग अगर पार्क का डेवलप कर रहा है तो इसमें आप ही लोग का तो बेनिफिट है, फिर क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं है, अभी लोगों का मनसा इस प्रकार आ चुका है कि ना हमको उससे प्रॉफिट चाहिए, हमको बिल्कुल नहीं, हमारा जंगल है हम लोग करेंगे कार्य, बिल्कुल नहीं, पूरा बाधित हम लोग इसमें पूरा उग्र होने को तैयार है। चलिए, क्या नाम हो दादा आपका? मेरा नाम राजकिशोर महतो है। अच्छा, मतलब वन विभाग से इसको लेकर पहले आप लोग कोई अवगत करवाए हैं कि ग्रामीण जो है इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर होनी भी चाहिए तो ग्रामीणों के देखरेख में, इस तरह का कोई बात है? देखिए, जैसे जानकारी अभी तक जो भी जानकारी प्राप्त हुआ है उससे साफ पता चला है कि यहाँ पे वन विभाग, मतलब ये जब शुरुआत हुआ था पर्यटक स्थल बनाने के रूप में, तो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी सूचना ग्रामीणों को नहीं दिया गया कि यहाँ पे हम लोग पर्यटक स्थल बनाएंगे और सीधे आके शिलान्यास लोग कर दिए, तो इससे साफ पता चलता है कि इन लोगों का पहले से जो भी मंशा रहा हो क्या, वो हम लोगों को तो बताया नहीं गया, जबकि ये जंगल पूरा ग्रामीणों का ही है, शुरू से हमारे पूर्वज यहाँ पे इसको बचा के रखे हुए हैं और खतियानी तौर पे भी देखा जाएगा तो देखिएगा यहाँ पे झारखंड में जितने भी जंगल होते हैं सभी स्थानीय वहाँ पे जो भी सामने वाले जंगल गांव होते हैं जहाँ पे उनका ज़मीनें होती है तो जंगल भी उन्हीं ग्रामीणों का ही होता है, लेकिन यहाँ पे पर्यटक स्थल बनाने का नाम को लेके तो हम लोगों को घेराबंदी शुरू किया गया लेकिन किसी प्रकार का सूचना नहीं दिया गया। पहले बताया जा रहा था कि यहाँ पे रास्ता छोड़ा जाएगा
लेकिन अब जब रास्ता बंद कर दिया गया तो इसे साफ झलक रहा है कि इन लोगों का मंशा कुछ और है। कहीं ना कहीं ये लोग हमारे जंगल को पूरा जबरन कब्जा करने पे हैं, या फिर इन लोगों क्या सोच रहे हैं तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों को इसे काफ़ी दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है। हम लोग जंगल जा नहीं पा रहे हैं, उसे जंगल से जो भी हम लोग को प्राप्त होता था, चाहे दतून के रूप में हो, पतई के रूप में हो, चरागाह के रूप में हो, या अंदर में बहुत सारे खेत है, मतलब करीब हमको लगता है सैकड़ों एकड़ खेत है जो आम ग्रामीणों का है। लोग अब खेती ही नहीं कर पा रहे हैं, अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं, तो रोपा डोबा का भी दिन है, मतलब पूरा बाधित हो गया ना, पूरी तरह से बाधित है। और ये लोग कुछ सुनने को भी अब तैयार नहीं हो रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम बौना कच्छप। अच्छा, क्या लगता है कितना दिनों से इस तरह का जो घटनाक्रम सामने आया है? पहले तो आप लोग जंगल से सब चीज़ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आपके ग्रामीणों का बयान आता है कि अभी आप लोग को घुसने तक का अलाउ नहीं किया जा रहा है। मतलब क्या लग रहा है कि ये जंगल को जो वन विभाग है पूरे कब्जे में ले लिया है? कब्जा में ले लिया है तो जंगल मतलब कि सब हम ही सब आदमी का था, हम ही सब आदमी का था, जमीन भी था, तो पूरा मतलब उधर हम लोग का खेत है, तो रोपा ढोभा मतलब कि नहीं हो पा रहा है। मतलब आप खेत भी नहीं जा पा रहे हैं? हाँ, खेत नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, खेत नहीं जा पा रहे हैं, अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो हम खेत कैसे जाएंगे? मेरा उधर जमीन है, तो खेत तो हम जाने नहीं ना सकेंगे भाई। रोपा ढोभा भी नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मतलब जंगल को पूरा चारों तरफ से घेराबंदी कर घेराबंदी कर रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? तो ये हम लोग चाहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जगह छोड़ना चाहिए। और हाँ, जगह छोड़ना चाहिए, हम लोग को उधर आने जाने के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। अच्छा दादा, इसको लेकर कोई समाजसेवी वगैरह से मिलने की कोशिश किए थे? अभी तो इससे पहले हमारा जिला परिषद विपिन टोपो से भी बात हुआ है, है ना, तो अभी प्रक्रिया अभी चल रहा है, और अभी हम लोग अभी पूरा विधायक हो, संसद हो, फॉरेस्टर हो, थाना हो, अंचल हो, सभी को हम लोग आवेदन देने का काम कर रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी? गीता लिंडा। ये जो जंगल का जो घेराबंदी किया गया है, इससे आप लोग ग्रामीण जो है काफी आक्रोशित हैं, मतलब क्या करिएगा इसके लिए? क्या करेंगे उसको? हम लोग जगह भी चाहिए, जंगल भी चाहिए। खेत तो ही अंदर में है। हाँ, खेत तो अंदर में है। रोपा डोभा करने नहीं सकिएगा ना? घेराबंदी कर दिया तो कैसे हम लोग हाल जोतेंगे? तो अभी क्या बोल रहा है वन विभाग वाला आदमी? क्या बोल रहे हैं वन विभाग? रास्ता बंद कर दिया है तो कैसे हम लोग अभी गाड़ी उड़ा घुसाएंगे और हाल जोतेंगे? कितना दिनों से रास्ता बंद है? बंद है एक या दो महीना से। तो अभी धान का रोपा रोपनी वाला काम आएगा, फिर आप लोग कैसे जाइएगा? वही तो, इसीलिए हम लोग को पार्क भी नहीं चाहिए, हम लोग को पूरा खत्म चाहिए, हम लोग को अपना जगह, हम लोग को अपना चाहिए। पार्क भी नहीं चाहिए? नहीं, हम लोग का जैसा है वैसा ही रहने दीजिए चाहिए। तो अंदर में कितना खेत बचा है आप लोग का? 50 खतियानी जमीन पूरा 50 आदमी का होगा। 50 आदमी का? हाँ, और उससे हम लोग का मतलब कम से कम साल भर हम लोग वहाँ से खाते पीते हैं, हम लोग का खेती होता है, और अभी हम लोग का खेती करना बंद हो गया, रास्ता ही बंद हो गया। पहले तो बोले थे कि पार्क के लिए वृक्षारोपण करेंगे, ये बात हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग का रास्ता भी बंद हो गया। उससे पहले ग्रामीण सोच रहा है कि चलो पार्क बनेगा तो ठीक ही है, लेकिन अभी जब हम लोग को जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है तो बाद में हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये तो केवल बात निकाला गया पार्क के लिए, आज पूरा जाने आने का रोड पूरा बंद हो गया। हाँ, और पहले तो आप लोग खुले हम वहाँ जा सकते थे, पाद दतून वगैरह सब कुछ पूरा वहीं पर, अभी वो सब नहीं कर पा रहे? नहीं, नहीं कर पा रहे। तो फिर आप लोग कितना तकलीफ हो रहा है जब लकड़ी उकड़ी का जरूरत? हम लोग जाने आने का रास्ते नहीं है तो किधर से जाएंगे? पूरा हम लोग खेती क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि पार्क हट जाए, जैसे पहले पुरखौती लोग का जो रास्ता था वही रास्ता चाहिए हम लोग को। किसी तरफ से रास्ता भी नहीं चाहिए, हम लोग को पूरा जड़ जंगल जमीन सब चाहिए हम लोग को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम क्या लगता है कि दादा, जिस तरह से आप लोग बड़ाम जंगल को एक पार्क का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इससे ग्रामीण जो है काफी नाखुश है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा विचार से है कि पार्क तो बनना नहीं चाहिए, ठीक है, और पार्क बन के हमको कोई फायदा नहीं है। जो हमारा पूर्वजों ने एक बार लड़ाई भी किया था और उसको बचाया है, और हम लोग को अभी इस तरह कर रहा है, तो ये हमको नहीं चाहिए। मतलब पार्क नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। और जैसे पेड़ पौधा को रक्षा कर सकता है, और पेड़ पौधा हम लोग फल चीज पेड़ पौधा लगाएंगे, और वो ऐसा अभी होगा तो हम लोग वहाँ तालाब भी खोदेंगे और मछली भी पालन करके हम लोग
जीवन यापन भी कर सकते हैं, ग्रामीणों का सहयोग भी रहेगा। हाँ हाँ और रही बात की, देखिए मेरा वहाँ पर करीबन 15 एकड़ जमीन है। अच्छा, अंदर में। अंदर में उतना जमीन है और हम लोग खेती बाड़ी से आश्रित है अपना। तो कहने का मतलब है कि मेरा उसी से खाना पीना है, राशन कोटा से तो हम लोग नहीं चलते हैं। और रही बात कि उससे हम लोग अगर खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे तो हमारा परिवार को कैसे खिलाएंगे। ठीक है, और पहला चीज, दूसरी चीज़ है कि हम लोग को रास्ता नहीं है। अच्छा। और मेरा यही कारणवश, घेराबंदी के कारणवश मेरा अभी 70,000 का एक जोड़ा बैल गुम हो गया। अच्छा, अंदर में। ठीक, मतलब आप लोग घेराबंदी का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण। हाँ, घेराबंदी नहीं चाहिए और एक जोड़ा मेरा बैल भी गुम हो गया यही कारण से। अच्छा, अच्छा। ठीक है, हम लोग का पार्क नहीं चाहिए और जैसे हम लोग का लकड़ी झूरी अभी रुगड़ा बिछने का समय आ गया। बाजार में देख रहे हैं रांची में रुगड़ा खा रहा है आदमी, हम लोग वंचित है। हम लोग गाँव अपना जंगल में उग रहा है फिर भी हम लोग रुगड़ा नहीं खा पा रहे। खुखड़ी का सीजन होगा उस समय भी हम लोग खा नहीं पाएंगे, क्या फायदा है, खरीद के खाएंगे 500 रुपया के जी। अभी रुगड़ा का कितना दाम है, 800 रुपया के जी है, हम लोग खरीद के खा नहीं सकते हैं। अपना जंगल जमीन हो के भी नहीं खा सकते हैं। हम लोग का शादी ब्याह में मड़वा खुटा भी नहीं ला सकते हैं। रही बात की और क्या, लकड़ी हम लोग अभी सरकार दे रहा है गैस 1200 रुपया भी है। ठीक है, हम लोग जिसे जंगल से लकड़ी नहीं लाएंगे तो हम लोग धान भी नहीं सिझा पाएंगे ना धान, गैस से सक्षम नहीं हो पाएंगे। वहाँ से पत्ते से हम लोग धान सिझा के तब रोटी। मतलब ग्रामीणों को जितना भी प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ति होनी चाहिए वो अभी बाधित है, इसको लेकर आप लोग जो विरोध कर रहे हैं। दतून पत्ता लकड़ी झुरी कुछ नहीं, अभी झाड़ू, हम लोग घर को झाड़ू करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ जाएगा, ये भी नहीं हम लोग को हो पाएगा। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का ये कहना है, तमाम ग्रामीणों का ये कहना है कि हम लोग का वहाँ पे रैयती जमीन भी पड़ा हुआ है जिसको लेकर रोपा डोभा, अभी ग्रामीण का टाइम है तो इस टाइम पे रोपने का जो सीजन चलता है वो भी अभी हम लोग जाने के लिए वहाँ पे बाधित कर दिया गया है क्योंकि घेराबंदी कर लिया गया है। घेराबंदी करने के कारण जो है वहाँ पे लोग जा भी नहीं सकते। ग्रामीणों को काफ़ी तकलीफ हो रहा है, इस तकलीफों को देखते हुए वन विभाग को भी सोचना चाहिए और इस पर जो है एक निर्णय लेना चाहिए कि इन लोगों को आने आवाजाही करने के लिए एक रास्ता तो कम से कम अभी के टाइम में मुहैया करानी चाहिए। बने रहे, ग्रामीणों का जिस तरह से सोच विचार है इसको एक बार वन विभाग को संज्ञान लेना चाहिए, तमाम समाज सभी को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर बातें जो कुछ भी उठेगी इसको पॉजिटिव वे में लेकर इसके तमाम लोगों को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करिए। बने रहे, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।